What's up guys, Ron is here and welcome back to my channel Ron Gaming. So we are playing Ark Survival Evolved right now, so let's jump right into it guys. देखो हमारे डायनोज मस्त दिख रहे हैं, सुपर ओपी वाले टेक डायनोज तो और भी खतरनाक दिखते हैं। कितना मस्त डायनो है हमारे, ये सबसे प्यारे डायनो तीनों। ये देखो हमारा सबसे बेस्ट रैप्टर है, बेस्ट बहुत ही पावरफुल है ये, बहुत ही मस्त रैप्टर है। गोल्डन रैप्टर हमारा, गोल्डन ये। इसको लेके पता है मैं कितना घुमाऊँ, बहुत ज़्यादा हर वक्त, मतलब बहुत ही इसको यहाँ वहाँ लेके कहाँ कहाँ नहीं गया मैं, बहुत लोगों की धुलाई की और डायनोस की धुलाई की, डायनोस की लोगों की धुलाई करना बाकी, आ जाओ किसको धुलाई खानी है। हाँ किसी को खानी है तो टेस्टिंग कर लेते खानी है किसी को धुलाई बताओ, धुलाई खाने तो आ जाना फिर। मैं तो गेट पे ही खड़ा हूँ धुलाई के लिए, फिर बात मत बोलना, ग्रोन भाई ने बोला रहता वही। देखो मेरी हमारे ट्रेनेडोन है, इसको लेके कितने सारे हमने ड्रैगन्स के अंडे चुराए अब तक, बहुत सारे ढेर सारे। देखो मेरे पास अभी, मेरे पता है मैं रात को ड्रैगन के अंडे चुरा चुरा के कितने सारे लेके आए। देखो पांच मेरे पास ये ग्रीन वाले हैं, फिर तीन फायर वाले और चार जो है वो लाइटनिंग वाले। आप लोग वो मैक्सिमम लाइटनिंग वाला कौन सा मिला अब तक, कितने लेवल का? कहां मर गया ना कल, मर गया वो, अरे जी वो 250 लेवल का था। अच्छा मैक्सिमम कितना मिला अब तक अंडा? पॉइजन का मिला था 230। नहीं नहीं लाइटनिंग, लाइटनिंग का सबसे रेयर होता है, बहुत ही कम मिलता है वो। वो 230 का था और एक 251 का था। अच्छा चलो मैं पहले जाऊंगा वहां पे विवरण केव में सबसे पहले, तो अगर कोई और हाई लेवल का अंडा मिला तो मजा आ जाएगा। मुझे तो लाइटनिंग चाहिए सबसे हाई लेवल का, और भी हाई लेवल का चाहिए लाइटनिंग का। देखता हूँ जाके अगर मिल गया। अरे कितनी मार खाई पता है ये मेरा ट्रेनर डोन बेचारा, कितना मार खा खा के, मतलब आधी आधी हेल्थ में भाग के हम निकले बच बच के, मुझे भी बहुत मार पड़ी है। अरे ये उए, वहाँ पे देखो अल्फा विवरण है, वहाँ पे 28,000 हेल्थ है उसका, उसको मतलब ट्रेनर डोन से तो नहीं मार पाऊंगा। अरे ये भी ड्रैगन, अरे ये मार खा रहा है, ओ नो मेरे पीछे लग गया। अरे मैंने क्या किया, अभी तो मैं आया भी नहीं हूं अंदर, अरे अंडे चुराने से पहले ड्रैगन पीछे पड़ गया हद। पता है कितना दो दिन से इतना, ए, ये कौन घूम रहा है यहाँ पे, अरे तुम निकलो यहाँ से सारे अंडे भी मेरे, आप लोगों के पास विवरण है, अभी मेरे पास एक भी नहीं है। अंडे चुराने आया हूँ हाई लेवल के। नहीं 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 नहीं, अरे यार ये लाइटनिंग ड्रैगन है ना, सबसे ज्यादा यही परेशान करता है, खतरनाक है। तुम्हारे पीछे भी पड़ी है क्या? मेरा पीछा छोड़ दिया नॉइश। ये भी 37 लेवल का अंडा है, तो बहुत ही बेकार अंडे यहाँ पे, ये पीछे ना पड़ जाए हमारे, ध्यान रखना पड़ेगा। हुई हुई थोड़ा ऊपर जाओ, देख लेगा ये, रे हर जगह पे विवरण घूम रहे पता है कितने सारे, अरे ये ऊपर आ रहा है लेकिन लेवल कम होगा ना, अरे विवरण के अंडे बहुत ही कम लेवल के स्पॉन हो रहे पता है। लेकर खा जाओ, खा तो जाऊं लेकिन अभी मेरे पास ट्रेनर होने ना, इसलिए मैं लेके नहीं खाता अभी। क्या करता हूँ पता है, पहले इनको सबको दूर लेके जाता हूँ फिर आराम से लेके खाता हूँ, सब चले जाते हैं ना दूर, तो अगर मेरे पास विवरण आ गया ना तो सबकी धुलाई करके फिर खाऊ मस्त मजे से। आज हमारे पास विवरण आ जाएगा गाइस, हमारे पास ढेर सारे अंडे, और आज ढेर सारे अंडे हैच करेंगे। ओए कहाँ से आ गया ये, कहाँ से आ गया अचानक लेवल का 28, सीरियसली कितने लो लेवल के अंडे स्पॉन हो रहे हैं लेवल का है 93 लाइटनिंग गाइस, अंडे हाई लेवल के स्पॉन ही नहीं हो रहे अभी तो। हाँ मैंने भी कल देखा था, नहीं हो रहा। मैं रात को कितनी बार इस केव में आया गया, 10 बार आया होगा पता है पूरी रात,
हाँ हमारे पीछे कुछ विवरण भी छोड़े थे याद है हमें हम लोग उसको मार रहे। अरे पर वो मेरे पीछे आ रहे थे तो मैं भाग के उस तरफ आ रहा था, वो आप लोगों के पीछे, और पता है आप लोग जो भगा के लेके आ रहे थे विवरण को, वो मुझे भी मार रहे थे बीच बीच में। ये यहाँ पे भी उड़ रहा है एक, वो तो नॉर्मल वाले को टेक आर्मर भी पहना सकते हो ना। 102 जो धुलाई पड़ने वाली है, 112 बहुत ही कम लेवल के अंडे, पता है एक भी दो से ऊपर है ही नहीं। 37 ये भी सीरियसली भाई क्या अंडे है अबे ये विवरण देखो डूब के मर रहा है लावा में, मर गया बेचारा, खुदकुशी कर ली इतना कम लेवल का अंडे रख के, उसने भी खुदकुशी कर ली विवरण ने मेरे सामने, आंखों के सामने के, हमें माफ कर दो अपने बहुत ही कम लेवल के अंडे देखे, देखो यहाँ पे लास्ट पड़ी उसकी बेचारे की, देखो लावा में पता है मेरे सामने आके लावा में मर गया वो डूब के ने। कि सॉरी वो देखो वो एक और खुदकुशी करा है लावा में कि हम बहुत ही कम लेवल के अंडे दे रहे हैं करके हम मर रहे हैं। आज है ना देखो ये रे 102 लेवल का यहाँ पे अल्फा विवरण, नहीं मेरे पीछे लग गया, मैं हाथ में नहीं आऊंगा इसके। अरे देखो मून कितना मस्त दिख रहा है, वाओ व्यू तो देखो गाइस, सुपर व्यू दिख रहा है एकदम ओपी, वाह क्या दिख रहा है, मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे अल्फा लगा है, बचाओ कोई ओ नो व्यू छोड़ो, अल्फा लगा है मेरे पीछे, बहुत स्पीड है उसकी, तो वो अपने शिकार का व्यू देख रहे आज। ओके पीछे छोड़ दिया, नॉइस इनकी फाइट हो गई, आप लोगों की फाइट हो गई। चलो गाइस तो अभी हमारे पास जो अंडे हैं उनको हैच करते हैं पहले, और फिर विवरण निकालते हैं उसमें से मस्त प्यारू से, चट्टू चट्टू बेबी बेबी विवरण। भाई स्वॉर्ड क्यों निकाल रहा हूँ मैं, सबसे पहले तीनों अंडे हैच करते हैं, ठीक है एक ये पॉइजन वाला, फिर एक फायर वाला एंड एक लाइटनिंग वाला, सभी सबसे हाई लेवल के जो अंडे हैं उनको हैच करते हैं आज, मजा आएगा। चलो ये देखो हमने नैनी बनाई थी कल, देखो हमारे बालों से कितनी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी नैनी दिख रही है ना कितनी मस्त दिख रही है। और ये देखो हमने एक इनक्यूबेटर भी बनाया था लास्ट टाइम, देखो इसकी रेंज यहाँ तक है, उसकी रेंज में रखने पड़ेंगे अंडे, मैं गलती से खा ना जाऊं। चलो सबसे पहले रखते हम ये वाला इनक्यूबेटिंग, यस नाइस। कितने टाइम लगेगा, टाइम का दिखा था है 24 मिनट, ओके 5 मिनट ही कब हुए इसको भी 24 मिनट, ओके एक और अंडा यहाँ पे, नाइस देखो 3 अंडे गाइस, 3 अलग अलग ड्रैगन के अंडे ओपी, देखो कितना मस्त दिख रहा है, एक फायर वाला फिर लाइटनिंग वाला एंड ये है पॉइजन, मजा आ गया। देखो इनक्यूबेशन हो रहा है, इसकी वजह से इनक्यूबेटिंग हो रहा है, ये 24 मिनट में इसमें से हैच होके अंडे में से छट्टू छट्टू प्यारू प्यारू से विवरण निकलेंगे मस्त वाले, ये हमारी नैनी फिर उसको टेक केयर करेगी, उन सब का ध्यान रखेगी, और यहाँ से गिर ना जाए पानी में कहीं भाग ना जाए, ध्यान रखना पड़ेगा वैसे। हाँ थोड़ा जब हैच होने वाले होंगे ना तो ये दोनों एक को आखिर में उठा लूँगा, फिर इसको हैच होके इनप्रिंट करूँगा, फिर एक एक करके इन दोनों को हैच करवाऊँगा। क्या क्या मस्त तो दिख रहे, देखो कैसे चमक रहे हैं, रुको थोड़ा ब्राइटनेस कवर देखो, और भी अच्छा लग रहा है अभी, वाओ। और ये जो लाइट दिख रहे हैं ना, ये लाइट ये हमारा इसकी वजह से लाइट है, कितनी मस्त, देखो अभी अंधेरा हो गया, इसको इसीलिए मैं साथ में रखता हूँ, देखो लाइट देता है मैं मस्त, हमें टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको कंधे में बिठा के घूमता रहता हूँ मैं इसको, मतलब ये मेरा फेवरेट पेट है अभी क्योंकि लाइट जहाँ पे भी जाओ हर जगह बहुत ही काम आता है ये,
और ये देखो ये ब्रोंटोसोरस तो मैं भूल ही गया दिखाना, देखो कितना बड़ा है ये। इसको भी मैंने फुल लेवल का था, 280 लेवल का था फुल लेवल, इसको भी मैंने टेम किया था, बहुत ही मस्त। मैं वहां पे जहाँ पे विवरण के एग लेने जाता हूँ ना उस तरफ था ये, बहुत बहुत ही सुपर पावरफुल है ये। एक बार पूछ ऐसे हिलाता है ना पूरा जमीन हिला के रख देता, सब कुछ हिला के रख देता है। गेम तो नहीं नहीं देता है। अरे ये कितना बड़ा है बताए, मतलब सारी चीजों को ऐसे उड़ा देता है ना, एक ही पूछ लो एक ही बार में सबको उड़ा देता है। चलो मैं इसको राइड पे लेके जा रहा हूँ बाहर, तब तक वो मेटल फाउंडेशन भी बन जाएंगे। और टाइम का ध्यान रखना गाइस, वो बेबीज हैच हो जाएंगे नियर के। देखो कितना बड़ा दिखता है अभी। मार पड़ेगी दूर रहो, मार पड़ेगी लग जाएगी, तुम्हारा ड्रैगन फिर अटैक कर देगा मुझ पे। अलायंस है नहीं अभी। ये कौन घूम रहा है? हाँ पैसिव कर देता हूँ विवरण को। हाँ पैसिव कर दो, पर दूर रखो ना, मैं अभी देखो अटैक करने वाला हूँ यहाँ पे। इतना बड़ा है, हम इतना पिद्दी से लग रहा है एकदम छोटू से ये। वो 400 का डैमेज पड़ा पता है तुम्हारे विवरण को, 400 का। ये देखो छोटू डायनो तो बेचारे ऐसे ही मर गए। और बेरीज वगैरह देखो कितना, एक ही बार में कितना बेरीज इकट्ठा कर लेता है ये। टैच बेरीज वुड सब कुछ, मतलब एक बार में। ये देखो इस तरफ देखना, वाह, और सीधा 2000 हो गया। और टैच तो देखो 10,000 सीधा, कितना पावरफुल है। वाह देखो भाई वो की कौन मार खा रहा है वहां पे, ये पूरी जमीन हिल रही होगी ना मैं चला रहा हूँ तो। बिल्कुल हाँ नीचे जो भी जा रहा है वो तो पूरी जमीन हिल रही होगी उसके लिए तो। अरे ये किसको पड़ी, ये छोटू या डायनोस तो मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है इनके सामने। कुछ कुछ तो एक भी मर जाते हैं पता है, ये देखो मर भी गए। इसका डैमेज तो देखो लेकिन 400 डैमेज एक बार में। चलो अभी मैं वापस सही लेके लग जा रहा रहा हूँ इसको, हम अंडे का ध्यान रखते, वरना अंडा अगर हैच हो गया ना फिर इम्प्रिंट नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे सबसे पहले विवरण चाहिए और कुछ नहीं। है। कितना छोटा टेलीपोर्टर दिख रहा है। वही तो, ये इतना बड़ा है ना क्या बताऊं मैं, यहाँ पर आके फंस गया बेचारा ही। पता है ये पानी यहाँ पर जो है ना केव में, मैं तो अंदर जाता हूँ तो सीधा नीचे पानी में ऐसे तैरने लगता है। ये इतना बड़ा है ये कि मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब देखो आराम से चल रहा है इतने पानी में, भी तैरने की भी जरूरत नहीं है उसको, देखो आराम से खड़ा है वो। ओह कितना बड़ा है ब्रोंटो, बहुत ही ओपी डायनो है ये तो। ये कितना बना फाउंडेशन, टन 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 टन। अरे इतना बड़ा लिस्ट है ये रहा, 62 की। चलो हम ऊपर, पहले ऊपर जाके अंडे के आसपास ही काम करते हैं ताकि वो हैच हो जाए तो ध्यान रख पाए। कितना टाइम है, 15 मिनट्स। ओके नोइश नोइश। यहाँ से फाउंडेशन लगाना शुरू करते, तब इवन हो जाए तो मस्त दिखेगा फिर। सादा नीचे होगा तो वो जमीन बाहर निकल के दिखेगी, जैसे वहां पे जैसे ऊपर वाला पार्ट है ना, नीचे ही लगाते तो थोड़ा अच्छा लगेगा फिर, इतना काफी है। अरे ओए ये क्या हो गया, स्कैम, स्कैम हो गया स्कैम। पूरी जगह ऐसे कर देंगे, इससे भर देंगे पूरा। और यहाँ पे जरूरत भी नहीं है मेटल के अलावा और कुछ किस चीज की, या फिर टैग का बना के कोई मतलब ही नहीं है। अरे अंदर यहाँ पे लगो अंदर। हाँ कभी फर्स्ट पर्सन मोड में भी जाना पड़ता है लगाने। हैं ये कहाँ पे, ये कैसे यहाँ पे लग गया अपने आप की।
आप लोगों ने कहाँ पे फिर बेस शिफ्ट किया अपना? एक अंडरवाटर केव। अंडरवाटर केव में? वाह, कहाँ पे? देखना पड़ेगा, देखना आना पड़ेगा फिर तो। मैं अटैक करने कैसे आऊंगा फिर जब फाइट करेंगे तब? अंडर वाटर में कैसे अटैक करने आऊंगा? अरे सिर्फ वो डाइनोस के लिए बेस है। अच्छा, प्रॉपर बेस अभी नहीं बनाया क्या? नहीं, उसको बनाएंगे भी नहीं, वो उधर बस इसलिए किया, रीपर भी आती रहती है। पर किसी और जगह पे बनाओ ना, सेफ जगह पे, किसी हाई लेवल पे ऐसे कहीं पे, या फिर वो देख रहे हम अभी। फिर मैं जब अटैक करने आऊंगा तो कहाँ पे अटैक करूंगा फिर? बेस ही नहीं होगा तो कहाँ पे अटैक करूंगा फिर? आप लोगों को धुलाई करूंगा हर जगह पे। नहीं दे रहे वो 9-10 मिनट में इनक्यूबेट हो जाएंगे अंडे। नॉइस, तब तक मैं नैनी को उठा के रख सकता हूँ कहीं। पिकअप नैनी है, लॉकड क्यों आ रहा है? अच्छा, अरे फाउंडेशन तो मेरे खाली हो गए, कोई ना, यहाँ पे रखते रान भाई, ओपन द थोड़ा बीच में रखते थोड़ा, ताकि रेंज ज्यादा मिले हमें इस तरफ उस तरफ हर जगह पे। वहां पे रखूंगा तो उस तरफ की रेंज फिर नहीं मिलेगी हमें यूज करने। यहाँ पे सही रखता है, रमू करके एक्टिवेट। ओके, ये क्या, चेंज फूड एएमटी? ओ अच्छा, शो रेंज। कभी पीछे की रेंज जो है वो भी थोड़ी सी मिल रही है मुझे, तो लग रहा है और भी आगे लगानी पड़ेगी। कोई ना, चलेगा इतना तो, यहाँ तक रेंज काफी है। ये हमारा विवरण है, चढ़ने वाले हैं, मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है। बेबी विवरण आएंगे फिर भाई, पता है कभी कभी ट्विन निकलते, तीन तीन, दो भी निकलते, तीन भी निकलते, अगर लक अच्छा हुआ ना तो। ऐसा लक हमको भी चाहिए। अगर लाइटनिंग में से तीन निकल गए ना तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। पर ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है हमारा लक इतना भी अच्छा नहीं है। तब उनमें से दो हमें दे देना। हटाओ, मैं कुछ नहीं देने वाला, लाइटनिंग तो कभी नहीं। अगर पॉइजन चाहिए तो दूंगा, लाइटनिंग तो कभी ना मिले। लाइटनिंग तो रेयर है, रेयर बहुत ही हाई लेवल की। तो लो लेवल के चाहिए तो बताओ, वो दे दूंगा। फिर अंडे के लिए बेस्ट कौन से डायनो होते जो एकदम अंडे देते रहते बार बार? शायद पैरासोर। हाँ, मुझे भी वही लगता है, पर मेरे पैरासोर्स ने एक भी अंडा नहीं दिया, वो फीमेल नहीं है शायद। अच्छा, ये तो टेक है ना, टेक वाला कहाँ से देगा? टेक वाले भी तो देते शायद। नहीं, वो नॉर्मल अंडे देते है क्या? नहीं देते, नहीं ऐसे नॉर्मली नहीं देते, मैटिंग करते तो देते, बाकी नहीं देते। देते है क्या? मुझे नहीं लगता। नहीं 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 देते, नहीं मेटिंग करने पे देते हैं। हाँ वही ना, नॉर्मल अंडे नहीं देते वो ऐसे नॉर्मली। मैं क्या लेके आया था? अच्छा हाँ, फाउंडेशन लेके आया था ढेर सारे। टेन 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 टेन, ऑफ होगी। ओए ऑन मत करना, वरना मेरे डायनो को कुछ हुआ ना तो मैं आके सबकी धुलाई कर दूंगा सच में। हर जगह मैं फिर मैप के हर एक कोने में ऐसी ऐसी जगह पे टर्रेट छुपा के रखूंगा, आप लोग घूम रहे होगे अचानक से मर जाओगे। क्या हुआ वो भी पता नहीं चलेगा, क्या से क्या हो गया वही रोगे बैठे बैठे, क्या से क्या हो गया करके। कितनी मिनट है? 4:27 बजा था, एक एक सेकंड का मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है। मेरा फर्स्ट विवरण आने वाला है लाइटनिंग, वो भी अगर उसमें से डुप्लेट या ट्रिप्लेट निकले ना तो मैं तो खुशी से पागल होने वाला हूँ अगर निकले तो। मेरा लक अच्छा नहीं है मुझे पता है, पर देखते। A few minutes later. एग, उई, एग, एग! एग हैच हो गया क्या? ओ डुन 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 बजा रहा हूँ एग। हैच मत होना, मैं आऊंगा। आ, मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। वो चढ़ गया, चढ़ गया। एग, एग। ओए होए, 2 मिनट बाकी है। नॉइस नॉइस। ओ 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। यस यस यस।
इसको उठा लेते दोनों को, पहले लाइटिंग वाला होने देते। हाँ, दो मिनट में हैच होने वाले गाइस, ये भी हो जाएंगे, फिर इसको भी एक एक करके रखेंगे और फिर हैच होने देंगे। ओ, हमारा फर्स्ट विवरण, यस, डेढ़ मिनट में होने वाला है फर्स्ट विवरण। मैंने बाकी इसीलिए उठा लिया क्योंकि फिर ये जैसे ही हैच होगा फिर वो भी थोड़े सेकंड में हैच हो जाएंगे, तो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे तुरंत ही। वेट नहीं हो रहा है मुझसे, एक और मिनट। तो दो दो सेकंड में आके देख रहा हूँ। हमें फिर सीढ़ियां भी लगानी पड़ी। क्या हुआ? कौन मार खा रहा है? हैं, मार खा रहा है। 48 सेकंड, यस। गाइस, विश हमें गुड लक दो कि हम इसमें से दो या तीन, मतलब लकी एग हो ये और इसमें से दो या तीन विवरण निकले एक साथ, बेबी। फोर, ये बता, खुश हो रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, या मैं पागल हो रहा हूँ। 20 सेकंड, दो निकलो प्लीज, दो तीन निकलो अंदर से। 15 सेकंड, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हैच। ओए, निकला, नाइस, कोई नहीं, एक ही निकला लेकिन, यस। इसका हम क्या नाम रखेंगे गाइस? इसका क्या नाम रखे, सोचने दो। हमारा फर्स्ट बेबी विवरण है ये, हम आराम से नाम रखेंगे इसका। रुको, अभी इसको देखते हैं, इसका स्टेट्स वगैरह देखते हैं। 317 लेवल का सुपर वाला, वाओ। अच्छा, वैसे इम्प्रिंट हो रहा है वो सब कैसे पता चलता है गाइस? मैं भूल गया, वो दिख जाएगा उसके ऊपर, आप पास जाओगे तो जैसे इंक्यूबेशन का दिख रहा था। टिन 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 टिन, क्या दिखेगा, मैं भूल गया सब कुछ, क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा? वो येलो बार में नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? अच्छा, मैच्योरेशन, हां, फिर इन्वेंटरी में जाके बीच में आपको वो इम्प्रिंट दिखाएगा। हां, इम्प्रिंटिंग 0%, क्यों? वो धीरे धीरे होता रहता है वो। हाँ, नैनी चालू है ना, नैनी को देखने दो। हाँ, नैनी चालू है। ए, नैनी को कुछ खाना तो नहीं देना पड़ता ना? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। हाँ, फिर ठीक है। ओके, मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहता है, बहुत ही हाई लेवल का अंडा है ये, बहुत ही हाई लेवल का बेबी ड्रैगन है हमारा। कितना क्यूट है, देखो कितना प्यारा सा एकदम। रुको, बिहेवियर, अभी हम पैसिव कर देते इसको, और बिहेवियर में टारगेटिंग रेंज फॉलो डिस्टेंस का है, नहीं फॉलो डिस्टेंस का है, ऑप्शंस में होता है वो, नहीं ओ ये रहा लो कर देते। चलो अभी इसको फॉलो करवाते, आ जाओ ऊपर, आ जाओ लाइटनिंग बेबी विवरण, ऊपर आ जाओ। फंस गया, तो आ रहा है, ओए होए, देखो ऊपर आ गया, देखो कितना मस्त है प्यारा सा, ये मजा आ गया, कितना मस्त है। 1%, ओके, इम्प्रिंट हो रहा है, ओके, हो रहा है बहुत ही मस्त तरीके से, नाइस गाइस, मजा आ गया। अभी ये इंक्यूबेटर भी ऊपर ले लेते हैं हम लोग, फिर दूसरे जो अंडे उनको भी हैच करवाते हैं बेटर रख के, बेटर भी यहाँ पे रखते साथ में इसके। ये देखो, इसको बुतनी बना देते, मैजिशियन बुतनी, और ये है इसका मैजिकल बॉल, इसमें ये फीचर देखते है उड़ 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 करके। इंक्यूबेटर देखो, ये नैनी जो है हमारी वो इसका ख्याल रख रही, इम्प्रिंट वगैरह कर रही है, इसको खाना भी खिलाएगी, खाना खिलाएगी ना? हाँ, फिर ठीक है, हाँ फिर ठीक है, वरना मुझे मिल्क लेने जाना पड़ेगा। वाह, कितना मस्त प्यारू सा। चलो और भी अभी फायर वाला, नेक्स्ट फायर, ये भी अभी 1-2 मिनट में इंक्यूबेट होने वाला है गाइस, इसमें से फायर ड्रैगन निकलेगा, छोटू सा प्यारू सा, ये। चलो इसका हम रीनेम करते,
लाइटनिंग बोल्ट रखा था क्या मैंने? चलो अभी के लिए लाइटनिंग बोल्ट रखते, और भी अच्छा नाम सोचेंगे फिर। देखो स्पेलिंग गलत हो तो चिल्लाना मत, मुझे नहीं आती इंग्लिश ठीक से। लाइटनिंग बोल्ट, मैंने कुछ इससे भी अच्छा नाम सोचा था, मैं भूल गया, बहुत ही मस्त नाम रखा था मेरे। थंडर बोल्ट, अच्छा हाँ थंडर बोल्ट, हाँ सही कुछ था, थंडर बोल्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। रोल बैक टेक वाला चाहिए मेरा सूरज। कितने लेवल का है? हुई होए, ये एक भी 30 सेकंड में हैच होने वाला है, अगर इसमें से ट्रिपलेट निकले तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट क्या भी ट्रिपलेट, 10 सेकंड में हैच होने वाला है दूसरा। यस फायर ड्रैगन निकलेगा इसमें से बेबी, फायर ड्रैगन ये ब्लैक कलर का फायर ड्रैगन है, ब्लैक व्हाइट टाइप का है, कुछ अलग ही फायर ड्रैगन ये तो, वाओ अलग ही फायर ड्रैगन है गाइस। आप लोगों के पास कौन कैसे कलर का है फायर ड्रैगन? ग्रीन जैसा है, नॉर्मल ग्रीन है फायर ड्रैगन। ग्रीन कलर का फायर वाला नहीं, वो पॉइजन वाला। अच्छा पॉइजन नहीं, फायर फायर वाला है ही नहीं। वाओ मेरा अलग ही कलर का है पता है। इसका हम नाम रखेंगे फायर स्ट्रॉम। ये क्यों नहीं टाइप हो रहा? स्ट्रॉम है, स्पेलिंग ठीक है स्ट्रॉम का बता रही? हाँ ठीक है, फायर स्ट्रॉम यस। ये भी सुपर है, इसका क्या नाम रखेंगे पॉइजन वाले का? बच्चों गाइस 7 सेकंड में हैच होने वाला है, हैच होने वाला है ये 7 सेकंड में। ये कार चुट्टू सा प्यारू सा ड्रैगन मरा, पॉइजन विवरण